अगरतला में लोगों को मछली पकड़ने का शौक पालते देखा जा रहा है। शहर में मछली पकड़ने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छुट्टी के दिन शहर के विभिन्न जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए लोग जमा होते हैं और घंटों तक अपना शौक पूरा करते हैं। बांस का एक छोर हाथ में पकड़े और दूसरे छोर में कीड़ा लगाकर लोग घंटों मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं। जलाशय के मालिकों से पैसे के बाबत टिकट लेकर यहाँ हर कोई घंटों मछली पकड़ने का लुत्फ उठा सकता है। मछली पकड़ने का शौक रखने वाले लोगों का कहना है कि यह उनके लिए एक खेल है, जबकि कुछ लोग इसे दिमाग की थकावट दूर करने का सबसे कारगर तरकीब मानते हैं। ये तो बहुत बड़ा हॉबी है। एक्चुअली ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको आपका खुशी मिलता है। आपका जितना भी नॉर्मल लाइफ में जितना स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से मतलब एक दिन का रिलैक्स मतलब क्या होता है, आपको जितना भी मतलब आपका ऑफिस का, घर का, परिवार का जितना भी स्ट्रेस होता है, मतलब ये फिशिंग से आपका दिमाग एकदम से फ्री हो जाता है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें मतलब वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स है ये। तो फिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हर कोई फिशिंग का शौक रखता है, मतलब किसी को चाहे, जिसको भी चाहे बताए, लेकिन तो उसको थोड़ा ना थोड़ा फिशिंग का शौक होता है। तो वही है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। वैसे तो एक्चुअली हम लोग फिशिंग करते हैं जैसे कि हम लोग स्ट्रेस वगैरह जो है रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। वाले अपनी डेली लाइफ से लोग कुछ रिलीफ के लिए हर तरह के उपाय अपनाते हैं। इस पर एंगलिंग भी एक है। आप इस दौरान आप अगरतला में किसी भी जगह पे जाएंगे तो छुट्टी के दिन लोगों को मिलेगा, लोग मिलेंगे आपके कि वाटर बॉडी में एंगलिंग करते हैं, फिश पकड़ते हुए। जानकारों का मानना है कि इससे मेंटल स्ट्रेस कमती है, दिमाग को कुछ सुकून मिलता है और एंगलिंग यहाँ पर बहुत पॉपुलर हो रहा है। कैमरा पर्सन काजल केली के साथ मैं तन्मय चक्रवर्ती अगरतला से, न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए। मणिपुर, नागालैंड और हाल ही में असम की मछलियों में फॉर्मेलिन पाए जाने के बाद असम से मिजोरम में मछलियों के आयात में कमी आ गई है। हालांकि अब तक आयातित मछलियों के परीक्षण में फॉर्मेलिन नहीं मिला है, बावजूद इसके बाजार से मछलियां गायब हो रही हैं। यहां तक कि मछली बेचने वाले व्यापारी भी अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। सोशल मीडिया में फैली अफवाहों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य तथा दवा विभाग को अपने लैबोरेटरी में मछलियों की जांच का आदेश दिया है। फॉरेंसिक अधिकारी आइजोल के बाजार से कुछ और नमूने संग्रह करेंगे और उनमें फॉर्मेलिन की जाँच करेंगे। सिक्किम की महिला रेफरी रेशमि छेत्री ने सफलतापूर्वक अखिल भारतीय फुटबॉल संघ श्रेणी 2 रेफरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। रेशमि छेत्री अब अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और एशियाई फुटबॉल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्ण राष्ट्रीय स्तर की रेफरी है। पूर्वी सिक्किम के पांगथांग की निवासी रेशमि छेत्री एक सरकारी कर्मचारी है। रेशमि ने नई दिल्ली में फीफा मेंबर एसोसिएशन कोर्स में भी भाग लिया था और पाठ्यक्रम पूरा करने में सफल रही। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहला ह्यूमन रेफरी हूँ जो कि सिक्किम से हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। और मैं और जो मेरा जो कलीग है और मेरा जूनियर है, सीनियर है, जो भी है, और मैं फिर से रेफरी लेना चाहती हूँ सिक्किम से और लेना चाहती हूँ, तो यही है मेरा। उन्होंने नई दिल्ली में फीफा एमए कोर्स के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए भी अर्हता प्राप्त कर ली है। वे गुजरात के गांधीनगर के प्रोजेक्ट फ्यूचर इंडिया में भी भाग ले चुकी हैं। मैं रेफरी का करियर तो 2013 से किया हूं, तो ये ईयर 4 इयर्स चल रहा है मेरा,
तो 13 से स्टार्ट कर रही हूँ. कॉन्फिडेंट हूँ, जितना मैं हार्ड वर्क करती हूँ उसका जो कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए, और मैं हूँ भी और मैच भी कर रही हूँ अच्छे से. तो मुझे आशा है कि मेरा ये हार्ड वर्क और काम करेगा और मैं इंटरनेशनल फीफा तक जाऊँगी. यही मेरा आशा है कि मैं करूँगी. रेशमी सिक्किम की एकमात्र लड़की है जो रेफरी के स्तर तक पहुंची है. वर्ष 2013 से अपना करियर शुरू करने वाली रेशमी एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनना चाहती है. फुटबॉल का भविष्य तो हाँ, अगर देख रहे हम लोग सिक्किम इंडिया में देख रहे तो बहुत अच्छे से जा रहे हैं. एज कम्पेयर टू जो भी पीछे से देख रहे हम लोग फुटबॉल का जो हिस्ट्री है उससे कंपेयर करें तो अभी का जो हाल चल रहा है, अभी का सिचुएशन है, वो देखकर बहुत अच्छा है इंडिया में और सिक्किम में फुटबॉल का भविष्य. सिक्किम की महिला फुटबॉल रेफरी रेशमी छेत्री नेशनल फुटबॉल रेफरी के रूप में सेलेक्ट हुई है, और सिक्किम से नेशनल रेफरी के रूप में सेलेक्ट होने वाली वो पहली महिला है. मणिपुर यूनिवर्सिटी में जारी तनाव के बीच ही सोमवार को परिस्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब एक छात्र नेता पर हमले के विरोध में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर के छात्रों ने राजभवन और प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा किया. देशम के महासचिव करीब 50 छात्रों को लेकर राजभवन के द्वार पर पहुंचे, जहां उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई. बाद में छात्रों का यह दल प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करने लगा. छात्र संघ कुलपति आद्य प्रसाद पांडे को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा रहा. We are not against the inquiry. We are demanding removal of the present BC AP Pandey. There is no question of inquiry. Inquiry should be done after removal, so there should not be any confusion. What we want, what we demand, what we are asking is the removal of the present Vice Chancellor. Removal is our ultimate goal. We are not going back even an inch also. We are not going to withdraw our agitation until and unless AP Pandey is removed. इधर घायल छात्र की हालत नाजुक बताई गई है और उसे फौरन राज मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन करना पड़ा. इस बीच नई दिल्ली में उपस्थित मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर यूनिवर्सिटी की मौजूदा हालत पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की है. मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कुलपति के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है.